बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहु। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम अरमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन लोगों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कॉमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। 24 अक्टूबर से लेकर 22 नवंबर तक जितने भी लोग पैदा हुए हैं सबके सब स्कॉर्पियो हैं, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के हरूफ से भी जान सकते हैं क्या वो स्कॉर्पियो तो नहीं। जिनके नाम के हरूफ ज़े, ज़ाद, ज़ौ, नून हैं वो भी स्कॉर्पियो हैं। मैं यहाँ बात करने जा रहा हूँ 27 सितंबर 2020 से लेके 3 अक्टूबर 2020 के दरमियान तक की, कि स्कॉर्पियो वालों का ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा। स्कॉर्पियो वालों के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा बेहतरीन एक ख़बर ये है कि मरकरी इनके अपने हाउस के अंदर आ जाएगा। हालांकि ये इनका हाकिम सितारा तो नहीं, इनका हाकिम सितारा तो मरीख है, लेकिन मरकरी को यहाँ पर औज है। मरकरी को यहाँ पर एक ख़ास पावर मिलती है, शर्फ से ज़रा नीचे वाली पावर मिलती है, शर्फ वाली पावर नहीं मिलती। लेकिन मरकरी जैसे ही इनके फर्स्ट हाउस में आएगा, ये आएगा 27 सितंबर 2020 को 12:40 PM का ये टाइम बनेगा पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से। जैसे ये इस टाइम पर इनके फर्स्ट हाउस में आएगा, वहाँ पर इनके योग की सूरत में होगा। योग की सूरत में इनको क्या फ़ायदा देके जाएगा। अब इनका जो हाकिम सारा मरीख है वो इनके छठे घर में है। जिस वक्त इनके छठे घर में मरीख गया, उस सीधा था तो उसने काम करना शुरू कर दिए थे, और इनके जो रुके हुए काम थे उस वक्त सारे काम एक तेज़ी की तरह होते हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन फिर जैसे ही मरीख रिजत में गया, रेडोग्रेड हुआ, तो इनके मामला ज़रा रुक गए, थम गए। लेकिन अब ये यहाँ पर मरकरी आ रहा है इनके पहले घर में। मरकरी जब पहले घर में आ रहा है, जिस तरह मैंने आपको कहा ये योग की सूरत होगी, योग की सूरत में अब स्कॉर्पियो वालों का क्या फ़ायदा होने वाला। स्कॉर्पियो वालों का वो फ़ायदा होने वाला जो इनके मामला सारे रुक गए थे, अब वो मामला दोबारा इनके चलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इनको अब किन मामलों में एहतियात बरतनी होगी, इनको अपने जो अगर ये कहीं मुलाजमत में है या इनके यहाँ कोई मुलाजिम है, इनको इन मामलों में एहतियात बरतनी होगी। और जो लोग अगर बीमार हैं, उनके कोई ना कोई बीमारी का मसला उनके साथ चल रहा था, तो कोई ना कोई वो थोड़े बहुत सेहत याब या तंदुरुस्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन 100% यहाँ पर इसलिए नहीं कि अभी भी इनका जो हाकिम जो सितारा है जो वो छठे घर में रिजत में है, लेकिन इनकी बीमारी में जो शिद्दत थी अब वो कमी होती भी नज़र आ रही है। इस हफ्ते में इन लोगों को ये चाहिए कि अपने जो रिश्तेदार हैं, अपने जो नेबर्स हैं, उनके साथ मामला बड़े ही अच्छे तरीके से उनके साथ बोलचाल रखें, कोई लड़ाई झगड़ा ना करें, वरना ये ना हो जाए कि आपकी किसी ना किसी मामलात में लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। लेकिन उन स्कॉर्पियो वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है जो नया काम शुरू करने चाहते हैं या जिनकी तरक्की रुक गई थी, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में थे या प्राइवेट सेक्टर में थे, अब उनकी तरक्की भी होती हुई नज़र आ रही है और उनका नया काम भी होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर कोई स्कॉर्पियो वाले नया काम करना चाहते हैं तो ये हफ़्ता उनके लिए बेहतर है। आप लोग हफ्ते में जब औजे अतारा दो उसके अंदर भी नया काम कर सकते हैं। इस हफ्ते में आप लोग अदीब, शायर, इनसे ज़्यादा आप मिलजुल रखेंगे, मेल मिलाप रखेंगे और इनकी गैदरिंग में ज़्यादा आप टाइम गुजारेंगे। या अगर कोई अदीब और शायर है स्कॉर्पियो वाला तो इस हफ़्ते में उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इस हफ़्ते में जो स्कॉर्पियो वाले अपने औलाद की तरफ से परेशान थे, औलाद के मामलों में परेशान थे, अब उनके औलाद के मामलों भी बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस हफ़्ते में स्कॉर्पियो वालों को नतीजे के लिहाज से भी कोई ना कोई इनका नतीजा इनके हक़ में होता हुआ नज़र आ रहा है। जो स्कॉर्पियो वाले ऑलरेडी मुल्क से बाहर हैं, कई बरूने मुल्क में हैं और मुल्क से बाहर हैं, और उनके काम रुके हुए हैं, कुछ होंगे वो काम अब उनके चल पड़ेंगे। जिन लोगों के रुके हुए काम होंगे वो कोई कागजी डॉक्यूमेंट के लिहाज से, या आपका वीज़ा नहीं लग रहा बरूने मुल्क में, या आपको वहाँ से नेशनलिटी नहीं मिल रही, या आपका वर्क परमिट नहीं बन रहा, तो इस हफ़्ते में आप लोग फ़ायदा उठाएं, इस हफ़्ते की रेस से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। इसलिए कि मरकरी आपके फर्स्ट हाउस में आ गया, मरकरी का यहाँ पर फर्स्ट हाउस में आना, योग में बैठे होना आपके लिए बेहतर है, बहुत अच्छा है। इसलिए कि अभी मरकरी स्टेशन डायरेक्ट नहीं हुआ, अभी मरकरी रेडोग्रेड नहीं हुआ आपके लिए, जब तक ये सीधा, ये हफ़्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर गुजरने वाला है। इस हफ़्ते में ज़्यादातर आप मामलात अपने खुद निकल के सॉल्व करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह ताला आप अगर घर से बाहर निकलेंगे, लोगों से मेल जुल रखेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपके मामलात दुरुस्त होते हुए आपको खुद नज़र आएंगे। आप लोगों से टेलीफोनिक भी, ईमेल्स के तौर पर भी आप लोगों से राबता रखें। अगर आपने इन
तरह भी रابطہ रखा तो फिर भी आपकी कामयाबी यकीनी हाथ में आती हुई नज़र आ रही है। अब अपने एस्ट्रोलॉजर नईमुर रहमान सिद्दीकी को इजाज़त दें। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।